हमारे अंदर नहीं, हर जीव के अंदर वह ब्रह्म ज्योति अखंड रूप से जलती है। और जब वह ज्योति अपने आप में लय हो जाती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। उसको ये तो कहा नहीं जा सकता कि बुझ जाती है, क्योंकि दिव्य ज्योति, ब्रह्म ज्योति, अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। आदि काल से वह जल रही है और जलती ही रहेगी अनंत काल तक। बंधुओं, इसको देखना ही हमारे लिए परम पद की प्राप्ति है, या ऐसे भी कह सकते हैं वही ही परम धाम है। और उस ज्योति को देखने के बाद में ही हमें उस आनंद की अनुभूति होती है जिसके बारे में वाणी नहीं बता सकती है। वह स्वयं में स्वयं का अनुभव है। तो बंधुओं, वह दिव्य ज्योति जो हमारे संतों ने बताई है, उसके लिए इशारा किया है, वह हमारे आज्ञा चक्र जहाँ पर है वहाँ पर वह ज्योति अखंड रूप से जलती रहती है। यह आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है। इसको संतों ने दिव्य दृष्टि भी कहा है, संतों ने इसको दसवां दरवाजा भी कहा है। और वह जो दिव्य ज्योति है उससे बाहर भी उजाला है और अंदर भी उजाला है। भक्तों, यह तो आपने जान लिया कि दिव्य ज्योति कहाँ जलती है, लेकिन आप यह भी जान लें कि आप उसको कैसे देख सकते हैं, आप उसको कैसे ध्यान कर सकते हैं। इन आँखों से तो दिखने वाली नहीं है, आँख बंद करके ही देखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर आप अंतर्मन से प्रवेश भी कर सकते हैं, उस दरवाजे के अंदर, उस ज्योति के अंदर। तो बंधुओं, उसके लिए आपको यह साधना करनी होगी कि आप एकाग्रचित्त हो जाएं, पद्मासन या सिद्धासन लगा करके बैठें, सीधे बैठें, शरीर को एकाग्रचित्त करें, स्थिर करें। तो बंधुओं, अगर आप इस अभ्यास को लगातार अपने जीवन में करते रहे तो जरूरी बात है कि आपको उसका दर्शन हो सकता है। और वो यही होगा जो दोनों भवों के बीच में और जो आज्ञा चक्र यहाँ बताया गया है वहाँ पर आप मन से देखें और इसका अभ्यास कर लें, तो अवश्य ही आप इस दिव्य ज्योति के दर्शन कर सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं, सुख दुख से छुटकारा पा सकते हैं, परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। और वो है जो परमात्मा का आनंदमय स्वरूप है, वह आपको ऐसे ही और इसी जगह से ध्यान करने से और इसका निरंतर अभ्यास करने से ही होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।